समझो। इट्स टू फार यार, बहुत दूर है। किसी भी हॉस्पिटल में आप रैंडमली चले जाओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड मेगा अपलोड विद यू ऑल वंस अगेन। आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। तो आप लोग टॉपिक से पता चल गया होगा कि आई एम गोइंग फॉर मेडिकल, और आधे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अभी लास्ट यूट्यूब शॉर्ट में मैंने एक मेडिकल वाला वीडियो बताया था जिसमें मैंने बोला था कि हमारा मेडिकल जो है वो एक्सपायर होने वाला है, तो मुझे दोबारा से रिन्यूअल के लिए जाना है। तो इतनी जल्दी मैं दोबारा इंटरव्यू बोल रही हूँ मेडिकल के लिए क्यों जा रही हूँ? सो दिस इज़ फॉर सम अदर थिंग। क्या है मैं आपको बताऊँगी, और ये वीडियो में डिटेल में बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टेस्ट आपको देने पड़ते हैं मेडिकल के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ नवी मुंबई, विच इज़ वेरी फार फ्रॉम माई प्लेस, मतलब बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे। तो मैं कैब में बैठ चुकी हूँ और एयरपोर्ट वाले रास्ते से ही निकली हूँ, तो मतलब मेरा दिन भी शुरू हुआ है एयरपोर्ट से। घर पर भी रहो, किसी और जगह भी जाओ, तो एयरपोर्ट बीच में आता ही है। दिस इज़ माई डेस्टिनी, दिस इज़ माई लाइफ। तो हम लोग जो हमें हॉस्पिटल अलॉटेड है सिर्फ वहाँ जाके ही अपना मेडिकल जो है वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी हॉस्पिटल में आप रैंडमली चले जाओ और वहाँ पे अपने वो टेस्ट करवा लो और यू कैन गिव इट टू द कंपनी, दिस इज़ नॉट अलाउड। सो वट एवर हॉस्पिटल इज़ अलॉटेड टू यू, आप सिर्फ वहीं जा सकते हो। तो मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो आपसे मिलते हैं सीधा वहाँ पर। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। इट इज़ टू फार यार, बहुत दूर है। टाइम हो रहा है 9:30 और 7:40 कुछ ऐसे मैं घर से निकली हूँ। लिटरली इतनी नींद आ रही है ना, अभी भी 10 मिनट दिखा रहा है पहुँचने में। आई एम ऑलरेडी लेट, 9 बजे पहुँचने के लिए बोला था, बट इट्स ओके, इंडिया में इतना चलता है। सो गाइस, मैं यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गई थी 9:45 पे। आई नो थोड़ा लेट है, बट इट्स ओके। तो फर्स्ट चीज़ जो आप सबसे पहले करते हो, रिसेप्शन पे जाओगे, आपको एक फ़ाइल मिलेगा जिसमें आपका नाम और जो भी टेस्ट वगैरह है वो सब लिखा होगा। तो जब भी आप मेडिकल्स के लिए जाते हो तो आपको प्रायर इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको फास्टिंग करना है 8-12 आवर्स का। तो मैंने भी वो किया, और सबसे पहली चीज़ मैंने दी थी ब्लड सैंपल अपना। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि एक आपको फास्टिंग मींस कि आपने कुछ खाया नहीं है वो वाला ब्लड सैंपल देना, और एक ब्रेकफास्ट करने के बाद दोबारा से आके ब्लड सैंपल देना है। तो मैंने पहले दे दिया और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था पोहा, कॉफ़ी और थोड़े से फ्रूट्स, तो मैंने पहले वो खाए। और फिर टाइम नोटिस करना होता है आपको कि कितने बजे आपने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया, कितने बजे आपने ख़त्म किया। सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग। अब आप यहाँ मेरी फ़ाइल में भी देख सकते हो कि मैंने ब्रेकफास्ट का इन टाइम और आउट टाइम दोनों चीज़ें डाली हुई हैं, और बाकी भी इसमें टेस्ट लिखे हैं जैसे ECG, आईज़ का, ENT, एवरीथिंग। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सब किया और 2 बार ब्लड सैंपल दिया। हाय गाइस, सो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग में इतना कुछ खास तो दिखाया नहीं, मैम बहुत मेडिकल मेडिकल बोल रहे थे, बट क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम क्या हुआ कि मैम यहाँ पर रिकॉर्ड मत करना, मैम वीडियो अलाउ नहीं है, यही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आपका वो माइंड भी जो है ना वो फिर काम करना बंद कर देता है, और नहीं मतलब याद भी नहीं रहता है कि हाँ ठीक है आपको कुछ शूट करना था, क्योंकि बार बार यही हो रहा था मोस्टली कि मैम वीडियो मत बनाओ प्लीज़ ये वो। तो ठीक है, इट्स ओके, जो भी होगा वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, डोंट वरी। और यार कैब का इतना प्रॉब्लम होता है ना, किधर मैं नवी मुंबई खार घर गई थी, जो कि सुबह मॉर्निंग में मेरे को ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स लगे थे पहुँचने में, और अभी ट्रैफिक की वजह से more than 2 hours लगे हैं, और कैब बुक भी नहीं हो रही थी कि नो कैब्स नियर बाय आ रहा है। 1 घंटा मैंने उसके लिए स्ट्रगल किए, फिर उसके बाद 2 बार कैब बुक हुआ और बंदे ने कैंसिल कर दिया खुद से। उसके 3री बार मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा तो मैं कैंसिल करने लगी, बट जब तक मैंने कैंसिल किया तो वहाँ पे आ गया कि ड्राइवर जो है वो बहुत 2-3 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुका है ट्रैवल करके, तो नाउ यू हैव टू पे। तो 250 रुपये मुझे चार्जेस पड़ गए जो मुझे पे करने पड़ेंगे अपनी अगली ट्रिप में।
विच इज़ अ सैड पार्ट, बट ठीक है फाइनली फिर मुझे एक बंदी मिल गई. आई मीन शी वॉज ऑल्सो देयर फॉर मेडिकल्स, बट हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे तो ऑफकोर्स कैसे पता चलेगा कि कौन किधर रहता है. तो ऐसे ही बातों बातों में पता चला कि अच्छा वेयर डू यू स्टे, वेयर आर यू गोइंग, ऐसा, क्योंकि किसी का कैब बुक नहीं हो रहा था. तो बाद में पता चला अरे मेरे पहले वाली गली में ही वो रहती है. तो फिर हम दोनों को फाइनली एक कैब मिला, हम लोग एक साथ आए और इतनी खूब सारी बातें की कि उसमें भी मैं व्लॉग बनाना भूल गई. और फिर बाद में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अभी मैं घर पहुंची हूँ तो आपके लिए शूट कर रही हूँ. अभी मैं खाना खाऊंगी बिकॉज आई एम लिटरली स्टार्विंग. खाना खा के मेरे को फ्रेश होके एकदम सोना है, मुँह हाथ धो के, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.